जो रुकावटें पेश आए उन रुकावटों को दूर करने की आप कोशिश करें, उन बुराइयों को खत्म करने के लिए जद्दोजहद करने के लिए आप कोशिश करें। अब इंसानी माशरा तीन तरह का, एक माशरा वह है कि जहां सिर्फ मुसलमान रहते, एक माशरा वह है कि जहां मुसलमान नहीं है बल्कि दूसरे लोग हैं उनके साथ मुसलमान भी रहते हैं, एक माशरा ऐसा है कि जहां पर इससे भी ज्यादा सख्त हालात है कि जहां मुसलमान भी नहीं है और इस्लाम गिरे को गुंजाइश भी नहीं है। इस तीन तरह का माशरा आज भी दुनिया में है। पहला माशरा की एक मिसाल सऊदी अरब समझ लो कि जहां सारे मुसलमान है, कुरान वहां का आइन है और उसके मुताबिक वहां फैसले होते हैं। हिंदुस्तान समझ लो, हम यहां पर हैं, हमारे यहां हमारे हाथ में कुव्वत नाफिज़ा नहीं है, हम किसी कानून को नाफिज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको यहां पर यह सहूलत हासिल है कि हम यहां अकलियत में हैं और अकलियत में होने की वजह से हमारे पास एक आईन है, एक दस्तूर है और उस दस्तूर ने हमको ये हक दिया है कि हम अपनी मजहबी आजादी के साथ इस मुल्क में रख सकें, ये हमको इस आयन ने हम दिया। तो एक माशरा ये है कि जिस माशरे के अंदर हम हैं अकलियत पे हैं। तीसरा माशरा वो है कि जहां पर हमारा वजूद भी नहीं है। तो पहला माशरा जहां पर हम इख्तदार रखते हैं, कुरान ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन रा मिनकुम मुनकर फलयुगय्यिर बियदिही। अगर तुम ऐसे माशरे में जहां तुम्हारा इख्तदार है और तुम्हारी हुकूमत है, अगर वहां पर तुम ऐसी चीज को देखो कि जो दीन के खिलाफ है, मुनकरात हैं, बुराइयां हैं, तो उनको रोकने के लिए अपनी कुव्वत का इस्तेमाल करो, अपनी कुव्वत का इस्तेमाल करो। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ऐसे माशरे में हो कि जहां तुम अपनी कुव्वत का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, जैसे जहां पर हम अकलियत में हैं, हिंदुस्तान में हम अकलियत में हैं, तो कहा कि फइन लम यस्तते फबिलिसान, अगर वहां पर अपने कुव्वत का इस्तेमाल ना करो तो मुनकरात को रोकने के लिए अपनी जबान का और जबान से ताल्लुक यानी इफाम और तफहीम का, राय आम्मा बनाने का, जहन साजी करने का, ये तमाम चीजों के सिलसिले में तुम कोशिश करो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी जबान से कोशिश करो। इसके लिए जलसे का स्टेज इस्तेमाल करो, मिंबर का स्टेज इस्तेमाल करो, कलम का इस्तेमाल करो, जहां पर तुमको जो भी मौका मिलता है, जिस प्लेटफॉर्म पर तुम जाओ वहां जाकर के तुम इसका इस्तेमाल करो और जबान के जरिए से उस बुराई के खिलाफ खुद का चर्चा करो और उसके सिलसिले में लोगों का जहन बनाओ कि उससे हमको इस बुराई से रुक जाना है। तीसरा वह है कि जहां पर हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं, जैसे पहले रशा में था कि रशा में एक जमाने तक 80 साल तक अल्लाह का नाम लेना जुर्म था, अल्लाह का नाम लेना जुर्म था, वहां कोई गुंजाइश नहीं थी। आज चाहे चाइना के अंदर संख्या है जहां पर अल्लाह का नाम लेना जुर्म हो रहा है, रोजे तोड़वाए जा रहे हैं, नमाज पढ़ने से मना किया जा रहा है, अगर ऐसी हालत है तो वहां पर भी आपको बेखबर और गाफिल नहीं होना है, समझौता नहीं कर लेना कि जब हालात ही नहीं है तो अब हम कुछ करें। अल्लाह के रसूल साहब फरमाया कि फैल बिस्तर फबे कल भी, वहां भी तुम अपने दिल से उसको बुरा समझो और इस फिक्र में रहो कि किसी न किसी तरह से हम इस बुराई से बचने की कोशिश करें। ये गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक निजाम हमारे